Hello everyone, assalamu alaikum. I hope you guys are doing well and having an amazing day. So today is our last day in Hawaii. We are doing extreme parasailing 1000 feet. और सोच के इतना ज्यादा डर लग रहा है. मुझे डर नहीं लगता basically किसी भी चीज से ज्यादातर. मुझे height phobia नहीं है, but मुझे आज पता नहीं क्यों सोच के कि 1000 feet है तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है. तो बस अभी जा रहे हैं लोकेशन की तरफ, जाके देखते हैं क्या होता है, कैसा फील करती हूँ मैं. मैंने इसको रिकॉर्ड करना ही था तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग ही बना लेते हैं, अपलोड भी कर लेंगे और अपनी एक मेमोरी भी इंसान की रह जाती है. तो बस अभी जो है ना चलते हैं. हम पहुंच गए अपने लोकेशन पे. ये सामने लोकेशन है और ये मैं बहुत ही नर्वस हूँ. मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे बोर्ड के एग्जाम्स का रिजल्ट आने वाला होता है, वैसी मेरी फील है. और अब देखती हूँ वहाँ जाके पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं. मुझे मैं सच में बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ. हम पहुंच गए अपनी लोकेशन पे. हमने ऑनलाइन टिकट परचेज कर लिए हुए थे, बस यहाँ हम आए हैं. हमने अपने चेक इन किया है और उसके बाद अभी उन्होंने हमें कहा है कि आप थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद आपको बुला लेंगे. तो जब वो बुलाएंगे तो फिर हम अपना जो है ना एक्सपीरियंस करते हैं कि पैरासेलिंग का कैसा एक्सपीरियंस रहता है. और मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरा पैरासेलिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहता है. मैंने अपने जो हेयर है उनको सही करके टाइट जो है ना मैंने पोनी टेल बना ली है. कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब आप पैरासेलिंग करते हैं तो बाल जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इरीटेट करते हैं. तो मैं प्रॉपर तैयार होकर आई हूँ पैरासेलिंग के लिए, बट मुझे डर भी साथ साथ लग रहा है. देखो क्या होता है, अच्छा होता है नहीं होता, क्योंकि मेरा पानी के साथ बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है हमेशा से. तो मुझे होता है कि मुझे बस डर लगता है कि पता नहीं कुछ हो ना जाए. बट एनीवेज लेट्स सी आज कैसा रहता है एक्सपीरियंस. लो जी हमारी आ गई है टर्न और बस अभी हम जाके ना उसमें बैठने लगे हैं. उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है. बोट में हम बैठ चुके हैं. इन्होंने कहा है कि शूज़, बैग, ग्लासेस, फ़ोन, सब चीज़ें आपने यहीं रख के जानी है. तो बस अब ये सब चीज़ें यहीं रखते हैं और उसके बाद एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसा रहता है. तो ड्रेसअप हम हो गए हैं, लाइफ जैकेट हमने पहन ली है. अब जो है ना बस पैरासेलिंग. बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था, बहुत इंजॉय किया मैंने. पहले मैं बहुत डरी हुई थी लेकिन जब मैंने पैरासेलिंग की है मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया. बहुत ही अच्छा था एक्सपीरियंस. आप लोग लाजमी जब कभी आप लोगों को मौका मिले तो लाइफ में एक बार पैरासेलिंग लाजमी करें, बहुत अच्छी है बहुत. सो आज का एक्सपीरियंस वो अलग है कि रिकॉर्ड नहीं कर पाते आप, क्योंकि वो आप 1000 feet जब आप ऊपर जाते हैं तो बहुत मुश्किल है. वहाँ पर आप अपना फ़ोन और कैमराज यूज़ करें, इस वजह से सॉरी फॉर दैट. बट यह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था.
A few minutes later. रूम में वापस आ गए थे, बस अब चलते हैं। थोड़ा सा जो टाइम रह गया उसमें बीच को एंजॉय करते हैं, उसके बाद खाना शाना खाते हैं और फिर वापस आके आराम करते हैं क्योंकि कल की है फ्लाइट। बीच पे जाते हैं और थोड़ा सा एंजॉय करते हैं उसका। लेट्स गो। रिजॉर्ट और बीच के मिड में है ये मेरा फेवरेट स्पॉट। यहाँ से मैंने हमेशा अपने लिए शेव्ड आइसक्रीम ली है क्योंकि इनकी शेव्ड आइसक्रीम बहुत ज़्यादा फेमस है। गए हैं हम बीच पे और बीच का कुछ व्यू ऐसा है और मैं खा रही हूँ अपनी आइसक्रीम और बाकी सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। बीच में बहुत टाइम गुजारा, बहुत अच्छा लगा। बाल मैंने अपने जो है ना वो ख़राब नहीं किए क्योंकि मुझे था कि बाहर दोबारा स्ट्रेट सब चीज़ें करना बड़ा टफ होता है। बाकी मैंने बहुत एंजॉय किया और ये Few moments later. We are here again in Istanbul, Hawa, क्योंकि हलाल ऑप्शंस है ही नहीं, आपको वापस उसी जगह पे ज़्यादातर आना पड़ता है जहाँ आप पहले आ चुके हैं। तो एक दो जगह हमने और ट्राई की थी बट कल जो इंडियन रेस्टोरेंट ट्राई किया उसका खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो आज फिर हम दोबारा उसी लोकेशन पे आए हैं। इनका खाना बहुत अच्छा है, एक तो चिकन हलाल है और लैम हलाल है, कुछ चीज़ें हलाल हैं, तो इसीलिए ये जगह ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा फैंसी भी है। सबसे पहले मंगवाएँ ये बेवरेजेस, ये पीते हैं और उसके साथ फिर आएगा मेन कोर्स। मेन कोर्स भी आ गया और बस इसको खाते हैं। वी आर डन विद आवर डिनर और अब चलते हैं रूम में और बस आराम करते हैं और कल की फ्लाइट है, बस ख़त्म हो गया आज का डे। होप यू गाइस लाइक द व्लॉग और बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना अल्लाह हाफ़िज़।